नमस्कार साथियों, मैं हूं एडवोकेट शोक चौधरी। साथियों, आज अपन बात करेंगे पुर्तगाल से रिलेटेड। मैंने स्टार्टिंग में पुर्तगाल से रिलेटेड कुछ बातें करी थी, आज अपन बात करेंगे पुर्तगाल में अगर आप जाते हैं तो किस तरह से जॉब मिल सकता है, किस तरह से आपको वीजा वगैरह पूरा प्रोसेस कैसे क्या होता है, कितनी सैलरी वगैरह मिलती है। तो जो यूरोप जाने का सपना होता है भाई, वो पुर्तगाल भी जाने की सोचते हैं, क्योंकि पुर्तगाल एक यूरोपीय कंट्री है जो कभी ना कभी इंडिया पे भी राज कर चुका है थोड़े समय के लिए। उसके बाद तो अंग्रेज आ चुके थे, आपको सबको पता ही होगा, ये तो 10वीं 12वीं की किताबों में लिखा भी पाते हैं। तो आज अपन बात करेंगे, अगर आप पुर्तगाल जा रहे हैं तो वहां पे जॉब कैसा मिल सकता है, आपको सैलरी कैसी मिल सकती है, जॉब किस तरह से आप कर सकते हो, तो थोड़ा सा डिटेल से मैं आपको बता दूंगा मात्र 5 मिनट के वीडियो में। तो साथियों, बात कर लेते हैं, अगर आप पुर्तगाल जा रहे हैं तो कौन कौन से जॉब आपको मिल सकते हैं लो कैटेगरी के अकॉर्डिंग, जिसमें आपके जॉब में फर्स्ट में आता है एग्रीकल्चर जॉब, वहां पे एग्रीकल्चर जॉब आपको सबसे ज्यादा मिल सकता है। सेकंड जॉब है रेस्टोरेंट से रिलेटेड, होटल से रिलेटेड, अगर आपको कुछ काम आता है, कुछ थोड़े बहुत पढ़े लिखे हो, इंग्लिश वगैरह थोड़ा बहुत आती है, तो आप रेस्टोरेंट में काम कर सकते हैं। अगर आप लेबर क्लास से हैं तो आप कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड इसमें आप काम कर सकते हैं। कंस्ट्रक्शन में बिल्डिंग लाइन से संबंधित जितने भी प्रकार के मेसन, कारपेंटर, स्टील, फिक्सचर या फिर लेबर, प्लम्बर, इलेक्ट्रिशियन वगैरह, ये काम भी आपको मिल सकता है आराम से। या आप अगर आपको काम आता है सैलून का, जी हाँ, हेयर ड्रेसर जो सैलून वगैरह होता है, नाई का काम जिसको बोल सकते हैं, वो अगर आपको आता है तो उसमें भी आपका करियर वहां पे जाके बन सकता है। या फिर ड्राइवर से रिलेटेड भी आपको जॉब वहां पे मिल सकता है, या फिर पैकिंग, फ्रूट पैकिंग वगैरह, जो भी इंडोर के जो जॉब होते हैं उसमें आपको ये काम पैकिंग वगैरह में मिल सकता है। अब पैकिंग में ज्यादातर भाई होटलों से रिलेटेड ही होता है, जो खाना पैक होता है उसी को पैकिंग का जॉब बोल देते हैं। अब ये जॉब आपको मिल सकते हैं। अब बात करते हैं साथियों, अगर आप वहां पे जाते हैं तो कंपनी आपको क्या प्रोवाइड करती है, कैसे खाना वगैरह, तो मैं बता दूं, खर्चा की बात करें तो आपको इसमें रहना कंपनी की तरफ से मिल जाता है, मेडिकल कंपनी की तरफ से, पानी, बिजली, गैस, ये चीजें आपको सब कुछ कंपनी की तरफ से प्रोवाइड हो जाती हैं जिस कंपनी में आप काम करते हो, ठीक है। खाना आपका खुद का रहता है, अगर आप रेस्टोरेंट में हो तो खाना मिल जाता है, बाकी अगर आप कोई भी काम करोगे तो खाना आपका खुद का रहेगा, जिसमें आपका मंथली चार्ज लगभग 100 से 125 यूरो, पुर्तगाल में यूरो करेंसी चलती है, मैं बता दूं, यूरो का मतलब होता है 1 यूरो का लगभग 80 78 89 78 के करीब ये करेंसी है, 80 78 के करीब ये करेंसी रहती है। तो ये आपका खर्चा 100 से 125 यूरो आपका खर्चा लग जाता है महीने का। अब आप एक बात की टॉपिक पे बता दूं मैं, लेकिन ऐसा सुना है कि अगर कंट्री, दूसरी कंट्री में आप काम कर रहे हैं वहां पे आपकी गवर्नमेंट टैक्स लेती है, लेकिन पुर्तगाल में ऐसा होता है, अगर आप जितनी भी तनख्वाह आपकी है उसका 11% टैक्स आपको वहां की गवर्नमेंट को देना पड़ेगा। जी हाँ साथियों, टोटल उसमें 24% टैक्स आता है, जिसमें 11% टैक्स आपको देना होता है, बाकी टैक्स आपका कंपनी ओनर पे करेगा। जी हाँ ठीक है साथियों, अगर आप लीगल हैं तो आपको कहीं पर भी जॉब मिल सकता है, अगर आप लीगल का मतलब आपके पास वर्क परमिट वीजा है तो आप आराम से कहीं पर भी काम कर सकते हैं, कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी इस काम में। सैलरी की बात करें साथियों, तो सैलरी देखिए 8 घंटे 9 घंटे, अगर आप ऑल वर्ल्ड में लगभग इतना ड्यूटी होती है, 8 9 घंटे ड्यूटी होती है, जिसमें आपको 500 600 डॉलर आराम से, यूरो 500 600 यूरो आपको आराम से मिल जाती है। ओवर टाइम करके आपको 800 यूरो तक कमा सकते हैं। जी हाँ साथियों, ओवर टाइम मतलब 8 घंटे प्लस ओवर टाइम करके 800 यूरो तक कमा सकते हैं। तो मेरे हिसाब से 1 यूरो 80 के समथिंग सैलरी अगर चल रही है तो 50,000 से लेके 70,000 तक महीना आप पुर्तगाल में कमा सकते हैं, वर्क परमिट वीजा पे या विजिट टू वर्क पे भी अगर आप जा रहे हैं। वर्क परमिट वीजा इंडिया से लेके जा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, आप लोग कई बोल सकते हैं नीचे कमेंट में, वर्क परमिट पुर्तगाल का नहीं मिलता, मिलता है भाई, 1 साल का मिलता है इंडिया से, ठीक है। अगर विजिट टू वर्क जा रहे हैं तो भी आप वहां पे जाके वर्क परमिट, अगर आपको जॉब मिल जाता है तो वर्क परमिट वीजा भी आपको मिल जाता है, तो वहां पे 50 60 70 हजार रुपए तक आप पुर्तगाल में आराम से कमा सकते हैं। पुर्तगाल से रिलेटेड मैंने आपको बताया जॉब कौन सा और कैसे मिल सकता है, खर्चा आपका कितना आता है, तनख्वाह आपकी कितनी मिल सकती है, किस तरह से जॉब आपको मिल जाते हैं, ये बातें मैंने बताई वीडियो, मैंने मेरे हिसाब से क्लियर किया वीडियो। फिर भी आपका कोई कमेंट है तो नीचे व्हाट्सएप कमेंट में लिख दे, ताकि मैं आगे नेक्स्ट वीडियो में वो कमेंट ले सकूं। वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर करने, साथ चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ में बेल आइकन का जो बटन उसको दबा लें, ताकि हर रोज नए टॉपिक पे वीडियो आते आपके पास आते रहे। जय हिंद, वंदे मातरम।